पेन ऑफ संदीप लामिछाने। जी हाँ, संदीप लामिछाने को तो आप सभी जानते होंगे, खास करके जो T20 क्रिकेट के दीवाने हैं, जो T20 क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो लीग होते हैं दुनिया भर में उसको देखते हैं, और खास करके जो नेपाल क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, वो सब संदीप लामिछाने को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे संदीप लामिछाने की पेन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने संदीप लामिछाने को मुस्कुराते हुए, गेंदबाजी करते हुए अपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा, बहुत बार उनको विकेट लेते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं संदीप लामिछाने किस परिस्थिति से गुजरते हैं, किस परिस्थिति से वो आए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना ये नाम बनाया है? तो आज वही चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो संदीप लामिछाने, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया और आप लोग जानते भी हैं, कि बेसिकली वो नेपाल से आते हैं। लेकिन जो नेपाल में क्रिकेट की स्थिति है वो किस तरीके से है, ये आप सभी को पता है। नेपाल में उनको एक इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पर स्टेडियम नहीं मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्रिकेट के स्तर है, उस प्रकार से वहाँ पर उनको प्रशिक्षक नहीं मिलते हैं, या फिर जो उनको तैयारी करने में, प्रैक्टिस करने में जो सामान की ज़रूरत होती है, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो उनको नहीं मिलती है। जो नया टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से क्रिकेट अब आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार के उनके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी संदीप लामिछाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नेपाल की ओर से खेलते हुए, और जो विभिन्न लीग होते हैं, T20 लीग पूरे विश्व भर में, उस सब में अपने गेंदबाजी से, अपने कला से, अपने प्रतिभा से अपना नाम बनाया है। और रिसेंटली ही एक घटना बताते हूँ आपको, संदीप लामिछाने के साथ जो हुआ है। आप लोगों को बता दूँ कि संदीप लामिछाने का नाम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय किसी T20 लीग में सिलेक्ट हुआ था, वो किसी टीम में प्रतिबंधित हुए थे, किसी टीम ने उनको साइन किया था। लेकिन आप सभी को बता दूँ कि नेपाल सरकार द्वारा उनको सही समय पर वीजा उपलब्ध ना करवा पाने के कारण से उनको वो पूरा टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ा, और जिस टीम ने उनको साइन किया था उस टीम ने उनको ड्रॉप कर दिया, उनके जगह पर दूसरे खिलाड़ी को साइन कर लिया। तो इस तरीके की परिस्थिति से गुजरते हैं संदीप लामिछाने। नेपाल की जो अवस्था है वो इस तरीके की है कि उनके एकमात्र प्लेयर जो कि विश्व भर में जाके खेलता है, अपना नाम बनाया है, अपने नाम से देश का नाम रोशन कर रहा है, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन उसको भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होते हैं, जो T20 टूर्नामेंट होते हैं, उन सब में जाने के लिए सही समय पर वीसा तक नहीं मिलता है। और आप लोगों को पता होगा इसी तरीके की प्रॉब्लम उनको एक बार पहले भी सामना करना पड़ा है, जिसमें उनको वीजा नहीं मिली थी और वो टूर्नामेंट में भी वो काफ़ी लेट से पहुंचे थे। तो संदीप लामिछाने बिना प्रैक्टिस के, बिना अच्छे तालीम केंद्र के, बिना अच्छे ग्राउंड के इतने महारत हासिल की है, इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा नाम किया है। और आप लोगों को पता होगा कि संदीप लामिछाने अभी बस 2-4 साल से ही खेल रहे हैं और इतना नाम उन्होंने बनाया है, और निश्चित रूप से अगर वो आगे खेलते रहे 10 वर्ष तक तो उनका पूरा विश्व क्रिकेट पर राज होगा। तो जो आज संदीप लामिछाने ने नाम बनाया है अपने, उसके पीछे उनका बहुत सारा संघर्ष रहा है जो कि वो अभी तक झेल पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए नेपाल सरकार को सोचना होगा। संदीप लामिछाने ने रिसेंटली ही एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि नेपाल सरकार एथलीट को प्रोत्साहित नहीं करती, एथलीट को सपोर्ट नहीं करती, और ये बात सही भी है क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में खेल कूद के ऊपर जो लगानी होनी चाहिए थी, बजट होनी चाहिए थी, उसके लिए एक अच्छी वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है, वो कुछ भी नहीं हो रही है, और सरकार कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है, जिसके कारण से आज नेपाल क्रिकेट इतना ज़्यादा नीचे है और इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो टैलेंटेड खिलाड़ी है वो भी अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, और उसके कारण से नेपाल क्रिकेट तो पीछे है ही, लेकिन जो कुछ खिलाड़ी अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर, विभिन्न टूर्नामेंट खेल कर बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बना पाते हैं। तो संदीप लामिछाने की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसको उजागर करने की ज़रूरत है, और नेपाल सरकार को इस मामले में जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आपके पास जो प्रतिभा खिलाड़ी है उसका अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भेजिए, जो कि उनका कला है वो दिखा पाए, जो उनका काबिलियत है वो दिखा पाए। तो आप लोग भी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या है सोचना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द से ही नई कहानी के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।